तो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने फिटनेस यूट्यूब चैनल एमके फिटनेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, कितने तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और क्यों हमारी डेली रूटीन में कार्ब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या चीज आपको अच्छी लगी और क्या आप फ्यूचर वीडियोस में जानना चाहेंगे। दोस्तों, वो टॉपिक्स भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन की, बात करें कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। जैसा कि आप नाम को ब्रेक करके देख सकते हैं कि कार्ब एंड हाइड्रेट, एंड कार्ब स्टैंड फॉर कार्बन एंड हाइड्रेट्स स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और यू कैन से दैट वाटर मॉलिक्यूल। जी हाँ दोस्तों, तो हमें पता लग गया है कि कार्बोहाइड्रेट या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का एक मेन फ्यूल होता है। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करती है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों तीन टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट तीन फॉर्म में नॉर्मली पाया जाता है, या तो शुगर की फॉर्म में वो आपको मिलेगा, या स्टार्च की फॉर्म में मिलेगा, या फाइबर की फॉर्म में मिलेगा। जो शुगर है वो आपका सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब होती है, अगर स्टार्च और फाइबर की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्ब होती है। दोस्तों, तो दो तरीके से हम कार्ब को डिफ्रेंशिएट करते हैं या दो अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, लाइक सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। एंड दोस्तों, सिंपल कार्ब्स वो कार्ब्स होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर में बहुत इजीली और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं, लाइक शुगर। शुगर जो है वो सिंपल कार्ब्स की फॉर्म है या सिंपल कार्ब्स के अंदर आती है। जब भी आप कोई शुगर से रिलेटेड, शुगर से बनी हुई कोई भी चीज खाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो दोस्तों जो शुगर आपकी बॉडी के अंदर जाती है वो आपकी बॉडी उसे बहुत इजीली और बहुत आराम से ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे अगर आप कंटिन्यू शुगर का इंटेक अपनी बॉडी के अंदर बढ़ाए रखते हैं या शुगर आप ज्यादा खाते हैं, तो दोस्तों आपकी बॉडी का इंसुलिन लेवल काफी हाइक जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को डॉक्टर इसीलिए सिंपल कार्ब खाने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल कार्ब जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जाके इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारे ब्लड के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है, जिससे जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो बहुत स्पाइक हो जाता है, वो बहुत ज्यादा बनने लग जाता है, जिससे आपको डायबिटीज की या शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है फ्यूचर में। एंड दोस्तों, इसीलिए सिंपल कार्ब हमें बहुत कम खाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो एक लॉन्ग चेन में जुड़कर बने हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर में इजीली डाइजेस्ट नहीं होते। ये जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं वो काफी आवर्स तक या एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर एंड स्लोली ये शुगर को रिलीज करते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। दोस्तों, हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, अब नेक्स्ट हम जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्ब के अंदर में आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब की कैटेगरी में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की लिस्ट काफी लंबी है। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्ब के अंदर में आते हैं, लाइक आपका लेग्यूम्स, सीड्स, नट्स। दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने डेली रूटीन में, अपने लंच में, ब्रेकफास्ट में या डिनर में कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब का यूज करें, जिससे आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हेल्दी रहें। ओके दोस्तों, तो ये थी इन्फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। मैं होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ नया पता लगा होगा।
कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में या कोई आपको नई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से पता लगी होगी, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड दोस्तों कमेंट जरूर करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हैं, मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड बी फिट एंड बी हेल्दी। Oh, 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 oh